हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। हम लोगों ने यूनिट 2 में दो टॉपिक कर लिया था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने दो टॉपिक तो करवा दिया था, आज हमारा तीसरा टॉपिक है इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों का रिलेशन निकालने से पहले मैं कुछ पिछला के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था। इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने कि रेट ऑफ फॉल ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन में बताया था कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है, ये उस समय क्या था, बैटरी से कनेक्ट नहीं था। अभी ये सोचिए कि सिर्फ कंडक्टर है, इसको हम लोग अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं। इस तरह से आपका है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, कभी ये क्या होगा, इसके रूम ये इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये कंडक्टर का कुछ टेम्परेचर होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, रेंडमली कोलाइड करेगा और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्टली यहां से यहां तक नहीं आ सकता है। तो इसके इस तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए क्या किए थे, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिए थे, तो हमारा क्या निकला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल सोल्यूशन निकला था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। आज इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो इस फिगर से आप लोग परिचित हो, पहले मैंने बताया था कि ये क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर फॉलो कराने के लिए क्या किए हम, इसको एक हम लोग सेल से कनेक्ट कर दिए हैं, इसमें पी आर क्यू क्या आपका एक कंडक्टर है। तो ध्यान दीजिए, कंसिडर एन कंडक्टर पी क्यू, पी और क्यू क्या है, ये क्या है, कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल, जिसका लेंथ क्या है आपका एल है, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है एल है। व्हाइल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ए ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम इज एन, यहां पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को कुछ पता नहीं चला ना, तो यहां पर क्या होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही है आपका। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम इज एन, इसका वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, फ्री वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पी क्यू, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पी क्यू, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपके यहां देखिए, ये क्या है आपका ए, और इसका लेंथ क्या है, पूरा कंडक्टर का लेंथ क्या है आपका एल है। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर देखिए द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम इज एन, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना कंडक्टर का कितना एरिया आपका इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है। तो ए एल और यहाँ का टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है एन है, तो ए एन एल हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, तो ए एन एल। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई नया नहीं है आपके लिए, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देयरफॉर टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर पी क्यू, पी क्यू में कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज है कंडक्टर में, इस पी क्यू कंडक्टर में कितना टोटल चार्ज है वो अभी हम देखेंगे। तो यहां देखिए ये क्या है, क्यू इक्वल टू ए एल एन ई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, ये देखिए स्मॉल यहां पर आपका हो गया एक टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर पी क्यू, पी क्यू में टोटल चार्ज कितना है आपका, क्यू इक्वल टू ए एल एन ई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है ये आपके लिए, तीन नंबर के लिए या तो कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐड करके ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है।
बट ये चांसेस है थ्री मार्क्स के लिए कि रिलेशन निकालने के लिए आपको दे देगा कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे आगे। अब आगे हम चलेंगे, अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, पहले इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे, अब इस कंडक्टर को क्या करेंगे हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा यहाँ, जब इसको हम लोग इस कंडक्टर को सेल से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था, पहले इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा था, जिसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो P2Q इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना या फिर फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सेल। इसको हम लोग क्या किए, इस कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग कहाँ कनेक्ट कर दिए, एक सेल से कनेक्ट कर दिए, तब क्या होगा, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड विद इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, अब देखिए आगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम क्यू टू पी। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जब इसको हम सेल से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन जो क्या मूव करना किधर स्टार्ट किया, क्यू टू पी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इसका यहाँ पर कितना है, एल है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसका डिस्टेंस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीडी। तो टी स्क्वायर टू एल बाय वीडी, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, एल है, और यहाँ पर वीडी क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बाय द डिफिनेशन ऑफ करंट के डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, करंट का डिफिनेशन मैंने बताया था कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पर वही देखिए, बाय डिफिनेशन ऑफ करंट, I इक्वल टू क्यू बाय टी। तो इक्वेशन वन आप लोग थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेशन वन में क्या था हमारा, इक्वेशन वन में था क्यू इक्वल टू ए एन एल और ई, ये था इक्वेशन नंबर वन, ये था इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन को Q के जगह पर हम लोग क्या करेंगे ना, इस Q के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे A N L E, यहाँ पर हम लोग पुट कर दिया। और इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए, सॉरी टी का वैल्यू, ये देखिए टी का वैल्यू हम लोग यहाँ इक्वेशन टू में निकाले, जो है वो इक्वेशन टू का वैल्यू हम लोग एल बाय वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। तो यहाँ से देखिए एल और एल कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो अब क्या बचा मेरा, ये इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आई स्क्वल टू A N E V D, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। आप चाहोगे तो यहां भी छोड़ सकते हो, या तो फिर यहां पर ध्यान दीजिए, A N E क्या है आपका, एक कॉन्स्टेंट है, ये K क्या है आपका, वेयर के इज ये क्या आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए ANE के उसके जहां पर हम लोग एक कांस्टेंट को यूज किए हैं, तो ANE जो आपका है कांस्टेंट है, तो इसके जहां पर K पुट कर दिए, यहाँ पर V पुट कर दिए। तो अब देखिए, जब हम लोग कांस्टेंट को साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल टू का साइन को लगाते हैं, तो K का ये जब K हटा तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, VD। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा, या फिर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा या तो करंट, तो फिर करंट क्या होगा, वो भी कम होगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू है, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, कि करंट बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा, या फिर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जस्ट मतलब कि अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन का मतलब होता है। तो पूरा रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर भी कर लोगे, और कहीं भी इस टॉपिक में दिक्कत होता हो
मैंने यूनिट वन पूरा करवा दिया है, यूनिट टू स्टार्ट किया है मैंने, यूनिट टू का आज तीसरा क्लास है, आज ये तीसरा क्लास है यूनिट टू का। अगर आप लोग नए हो तो मेरे पिछले वीडियो में दो वीडियो मैंने इसका पहले बना दिया यूनिट टू का, आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके में समझाया गया है कि यूनिट टू में आपका करंट है, फिर ड्रिप वेलोसिटी, उसके बाद इसका रिलेशन। अब हम लोग आगे भी करेंगे तो पारी पारी से रोज एक एक वीडियो हमें अपलोड करता हूं, और अगर किसी भी टॉपिक में आप लोग दिखा होता हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।